जिस धांसू बल्लेबाज ने पाकिस्तान को खूब धोया था, उस क्रिकेटर पर आया था माधुरी दीक्षित का दिल। आखिर कैसे अधूरी रह गई थी वो प्रेम कहानी। जिस माधुरी की दुनिया दीवानी थी, वो उस वक्त किस क्रिकेटर के लिए थी बेकरार, जिसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए थी तैयार। माधुरी ने उस क्रिकेटर को एक्टर बनाया, फिल्मों में उसको काम दिलवाया, लेकिन फिर भी दोनों का दिल क्यों नहीं मिल पाया। बड़ी दिलचस्प है माधुरी की ये प्रेम कहानी। कभी परिवार बना विलन तो कभी हालात ने किया परेशान। इस कहानी को सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। 90 का दौर था, माधुरी अपने शबाब पर थी। उन दिनों लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने थे, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती थी। उस दौर में माधुरी बॉलीवुड के सबसे बेहतर एक्टर्स के तौर पर पहचानी जाती थी। माधुरी की एक्टिंग पर लोग फिदा थे, तो उस दौर में कई बॉलीवुड एक्टर भी माधुरी की अदाओं पर अपनी जान छिड़कते थे। लेकिन माधुरी के दिल में तो कोई और बसता था। धक धक गर्ल माधुरी का दिल उस दौर में किसी और के लिए धड़कता था। माधुरी उसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहती थी, शादी तक बात पहुंच गई थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे माधुरी का सपना टूट गया और माधुरी का वो प्यार उन्हें कभी नहीं मिल पाया। कौन था वो इंसान, माधुरी जिस पर छिड़कती थी अपनी जान, और माधुरी ने उसे कामयाब बनाने के लिए क्या क्या किया, चलिए आपको ये दिलचस्प कहानी बताते हैं। 90 के दौर में माधुरी का क्रेज बॉलीवुड में सबसे ज्यादा था। उस दौर में उनके साथ काम करने वाले कई हीरो के साथ उनके अफेयर की चर्चा बड़ी आम थी। लेकिन माधुरी दीक्षित ने एक मशहूर क्रिकेटर के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर करते हुए सभी को हैरान कर दिया था। उस दौर में माधुरी और उस खिलाड़ी के अफेयर के चर्चे खूब हो रहे थे। माधुरी उस क्रिकेटर से इतना प्यार करने लगी थी कि उसे बॉलीवुड में काम दिलवाने के लिए माधुरी ने सिफारिश तक कर दी थी। खबर तो ये भी थी कि माधुरी उस खिलाड़ी के साथ जिंदगी बिताने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। उसका नाम था अजय जडेजा। जी हाँ, ये वो दौर था जब अजय जडेजा टीम इंडिया में एक धाकड़ खिलाड़ी के तौर पर पहचाने जाते थे। अपनी धुरंधर बल्लेबाजी के दम पर जडेजा ने टीम इंडिया में अपनी पहचान बना ली थी। जडेजा उस दौर में मध्यम क्रम के विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते थे। कई मैचों में जडेजा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को मैच जिताए थे। जडेजा पाकिस्तान के खिलाफ शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए हमेशा जाने जाते थे। तो वहीं माधुरी भी बॉलीवुड में अपने चरम पर थी। उस वक्त एक विज्ञापन के शूट के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई। पहले मुलाकात, फिर बात, और फिर दोनों प्यार की पिच पर खेलने लगे। लेकिन दोनों की प्रेम कहानी का अंत बहुत बेकार हुआ। दोनों की जिंदगी में कभी परिवार तो कभी हालात विलन बनकर रुकावटें पैदा करते रहे। दरअसल अजय जडेजा का ताल्लुक एक शाही परिवार से है। माधुरी दीक्षित के परिवार वालों को ये बात खलती थी और वो दोनों के रिश्तों पर खिलाफत करते थे। माधुरी दीक्षित का परिवार सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन माधुरी अपने परिवार को मनाने में लगी हुई थी। सब कुछ ठीक होता उससे पहले इन दोनों की प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आ गया। अजय जडेजा के करियर पर खतरे के बादल मंडराने लगे। उन्हें मोहम्मद अजुद्दीन के साथ मैच फिक्सिंग के आरोप का सामना करना पड़ा। इस पूरे मामले में उन पर 5 साल का बैन लग गया। जडेजा के ऊपर लगे इन आरोपों के बाद माधुरी का परिवार नाराज हो गया। इन आरोपों के बाद अजय जडेजा की साख गिरी तो माधुरी दीक्षित का परिवार भी उनके रिश्ते के खिलाफ हो गया और दोनों की शादी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि अजय जडेजा को फिल्मों में लाने के लिए माधुरी ने डायरेक्टर से उनकी सिफारिश की थी। जाहिर है कि माधुरी के लिए अजय जडेजा फिल्मों में काम करना चाहते थे और नाम कमाना चाहते थे, लेकिन बॉलीवुड और क्रिकेट के मैदान की दिलचस्प कहानी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। कुछ वक्त बाद माधुरी दीक्षित की मुलाकात डॉक्टर श्रीराम नैने से हुई और उन्हें 1999 में अपना जीवन साथी बना लिया और अमेरिका जाकर बस गई। तो वहीं अजय जडेजा ने भी पॉलिटिशियन जया जेटली की बेटी अदिति जेटली से ब्याह कर लिया और दोनों ने अपना घर बसा लिया। तो आपका इन दोनों की प्रेम कहानी को लेकर क्या कहना है, और अगर इन दोनों की शादी होती तो इनकी जोड़ी आपको कैसी लगती, कमेंट करके जरूर बताएं।